খুব দারুণ না? ভালো খেতে? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो एक नया व्लॉग के साथ आज का मेरा ये व्लॉग शुरू होता है, तो देखते रहिए और हमारे वीडियो लास्ट तक बने रहिए। खूब तो सुबह सुबह अनुषा चाय और बिस्किट खाने के बाद अभी फ़िलहाल उसको बिस्किट का जो डब्बा है वो मिल चुका है, तो वो पूरा फैलाया हुआ था। अभी मैंने डांटने के बाद वो सब कुछ समेट चुकी है अभी। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, हम लोगों ने भी, अनुषा को मैंने करवा दिया है, और आज आलू की सब्जी और रोटी बनाया था। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हमें कुछ पार्सल रिसीव हुआ, और ये शायद मैंने कुछ 5 days पहले ऑर्डर प्लेस किया था, आज मुझे रिसीव हुआ है। तो एक पार्सल, ये दो पार्सल है, एक मेरा है, आई मीन मेरे घर के लिए है, और एक है अनुषा की बुआ के घर के लिए। तो इसलिए हम लोग अलग अलग कर रहे हैं ताकि एक खोल पाए और एक जो है वो वहाँ पर जाके इसको सेट करके वो यूज़ करेंगे। तो आपको बताती हूँ, ये है एक अलमारी जो आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा है, ये रेड कलर का है, मेरे घर पे ऑलरेडी है, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है अपने लिए एक ब्लू कलर की ऑर्डर किया है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फालतू के कपड़े रहते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं और डेली यूज़ में होते हैं, तो उसको रखने के लिए अलग से ये रखा है, और बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैंने जब पहले फर्स्ट ऑर्डर किया था रेड कलर का, तब सभी ने कहा कि ये क्यों ऑर्डर किया है, कपड़े का है, फट जाएगा, टूट जाएगा, प्लास्टिक का है, ये यूज़ नहीं होगा, फालतू का आपने 1000 rupees पे किया है, ये तो इससे अच्छा होता कुछ और पे कर दी थी, अच्छा कुछ मिल जाता। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, अभी अनुषा ऑलमोस्ट 2 साल की होने वाली है इसी महीने में, तो अभी तक बहुत अच्छी तरीके से ये यूज़ होता है, और इसका यूज़फुल क्या है सभी को पता चल गया है। तो इसी वजह से मेरे मदर इन लॉ ने भी ऑर्डर किया है, इवन अनुषा की जो बुआ है उन्होंने भी ऑर्डर किया है। तो एक ही साथ मैंने ऑर्डर किया था, इसीलिए एक ही साथ ऑर्डर डिलीवरी हुआ है। तो इसको मैं पूरा सेट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने सेट किया है। सो पार्सल जो था वो पूरा ठीक था, लेकिन एक तरफ से थोड़ा टूटा था, तो मैंने कहा क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने ऑर्डर करके ये वाला रिटर्न कर दूँगी फिर। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लेते हैं तो मैं एकदम बोलूँगी कि आप ज़रूर लीजिए, ये बहुत यूज़फुल है मेरे लिए, तो मैं बोल सकती हूँ ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। सो मैंने ये पूरा तैयार किया, और करने के बाद फ़िलहाल हम लोग बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए खिचड़ी, बिकॉज आज बहुत दिनों से मन था कि खिचड़ी बनाऊँगी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो ऐसा नहीं मैं अलग से कोई राइस ले आई हूँ, घर के जो राइस है उसी से मैं बना रही हूँ, बिकॉज सुबह सुबह मूड हुआ तो राइस अलग से मैंने खरीद के नहीं लाया है, और जो भी मुझे घर में राइस मिला था उसी के साथ मैं बना रही हूँ। और जो भी सब्ज़ी वगैरह था मैंने कट कर लिया है मैंने वहाँ पे। तो खिचड़ी में मैंने आलू, फूल गोभी और जलेपिनो डाला था, मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, मैंने बड़े साइज़ का जो अचार वाला मिर्ची मिलता है वो ख़रीदा था, तो बहुत टेस्टी बनता है, तीखा नहीं होता है एकदम भी, कैप्सिकम जैसा होता है टेस्ट, लेकिन जो उसका फ्लेवर है ना, उसका जो स्मेल है वो काफ़ी गाढ़ा, बहुत टेस्टी बनता है। सुबह का जो सब्जी था उसमें भी मैंने डाला था। तो मेरे पीछे कौआ चिल्ला रहा है, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन सुबह सुबह का जो खाना होता है, मैं चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी बने एटलीस्ट सभी को पसंद आए। दोपहर का जो लंच होता है, रात को ऐसा होता है कि आधा टाइम हम लोग रेस्टोरेंट से मंगवा लेते हैं, हमारे रेस्टोरेंट से, तो रोटी बना लेते हैं उसके साथ जो भी होता है रेस्टोरेंट से मंगवा लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा रोज़ का घिसे पिटे खाना से आज कुछ अलग बनाते हैं, इसलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ और नॉर्मल राइस से। सो उसके बाद एक पार्सल रिसीव हुआ, तो अनुषा एकदम भाग के गई कि गिफ्ट दो मुझे, तो हमेशा वो डिलीवरी बॉय को बोलती कि मुझे गिफ्ट चाहिए, क्या गिफ्ट लाए हो। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो।
तो अनुषा के लिए अनुषा के पापा ने 2 दिन पहले डायपर ऑर्डर किया था, वही पार्सल रिसीव हुआ है। अनुषा को तो ऐसी खुशी है कि आज कुछ अच्छा मिला होगा, लेकिन उसको शायद उसे पता ही नहीं है इसमें डायपर है। तो जब मैंने खोल के दिखाया तो वो बोल रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे लगा था कि ये कपड़ा है, ये तो कपड़ा नहीं है। तो फिलहाल जो खिचड़ी मैंने आज बनाई थी वही मैं खा रही हूँ। और अनुषा को मैंने जब पूछा तुम खाओगे, वो बोल रहे नहीं ये तो पोटी है मुझे नहीं खाना। तो ये सुन के अनुषा के पापा ने मौके को चौका मारते हुए बोला हाँ मत खाओ, मम्मी जो भी खाती है एकदम बुरा खाती है। तो जस्ट बिकॉज़ अनुषा के पापा को भी एकदम नहीं पसंद है खिचड़ी, लेकिन मुझे पसंद है, मेरी जो मदर इन लॉ है वो खा लेती है, मेरी जो देवर है, मैंने अनुषा के चाचू भी खा लेते हैं, लेकिन अनुषा के जो पापा है और अनुषा के पापा मेरी जो ससुर है वो भी नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आज शायद उन्होंने कहा ठीक है दोपहर में क्या अलग बनाऊंगे, सभी के लिए एक ही बना दो खिचड़ी, तो खा लेंगे। सो उसके बाद हम सब ने नहा लिया था, मैंने तो ऑलरेडी पहले ही नहा चुका था। उसके बाद अनुषा को मैंने अभी नहला के एकदम रेडी कर दिया है, अभी मैं उसका जो बाल है वो कोम करूँगी। और ये जो टी शर्ट है मैंने आपको शायद वीडियो में दिखाया भी था, लास्ट वीडियो में मैंने ये ख़रीदा था, इसको काफ़ी फिट आया है और मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो आप भी बताइए कैसा लग रहा है अनुषा के ऊपर। सो उसके बाद अनुषा को लंच करवा के दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट करवाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग करने के लिए। अभी रात को रात के 8 बजे मुझे टाइम मिला है, तो अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो पता नहीं कहाँ से उसको ये चीरा मिल गया था, तो नॉर्मली वो नहीं खाती है, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है वो खा रही थी, उसको उनको देख के लगा कि हाँ मुझे भी खाना चाहिए। सो उसके बाद लिटरली अनुषा ने अपने जो दादी है उनके हाथों से ये जो बोल है वो खींच के लेके आई है कि मुझे चाहिए आप मुझे दो। तो अभी देख सकते हो घर का हालत। उसके साथ साथ जो भी नीचे बचा कुचा मिल रहा है लड्डू को वो तो खाई जा रही। कब से अनुषा भी कोशिश करे कि लड्डू खाओ, और वो उसे थोड़ा बहुत खाया लेकिन उसके बाद पूरा वेस्ट किया इसको। मैंने बहुत बार उसे बोला लेकिन वो नहीं सुनी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। सो उसमें मिलाने के लिए अनुषा मेरे से चीनी मांग रही थी, मैंने यहाँ पे नहीं दिया था लेकिन मैंने दिखाया कि मैंने दिया है। और चीनी दो, नहीं नहीं चीनी नहीं, हाँ की बोल ले। सो अनुषा के साथ थोड़ा बहुत खेलने के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग रोटी बना रहे हैं, हम तीनों मिलके बना रहे हैं, बिकॉज़ अनुषा बहुत बोल रही थी कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे रोटी बनाना है। तो उसको मैं ज़्यादा नहीं मना कर पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रोती है। अभी उसको रखने के लिए भी कोई नहीं है घर पर, अनुषा के पापा रेस्टोरेंट पर हैं और अनुषा के चाचू ऑफिस में गए हैं और अनुषा के दादू फ़िलहाल सो रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते हुए उसको फ़िलहाल यहाँ पर ही बैठा के रखी हूँ ताकि हमारी पास भी बैठे रहे और ज़्यादा कुछ ना करे। तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे बैठाया, लेकिन गैस से बहुत दूर है, आपको अगर लग रहा होगा कि एकदम पास में बैठे, लेकिन नहीं, हम तीनों मिलके रोटी बना रहे थे और रात के लिए हम लोग बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। और सुबह का जो आलू की सब्ज़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसीलिए कहा कि शाम को भी आप वही बनाओ। तो इसी वजह से जो मैंने कहा जलपीनो था उसी के साथ सुबह भी बनाया था और टमाटर के साथ ग्रीन चिली के साथ वही सेम मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सभी को वो बहुत पसंद आया था। तो और ये जो चिली है इसके साथ ना जो सब्ज़ी बनाओ इसका टेस्ट ही पूरा अलग हो जाता है, फ्लेवर बहुत डिफरेंट आता है, मुझे बहुत पसंद आया था और सभी को पसंद आया था। तो उसी वजह से मैं वही बना रही हूँ रात को भी, और ऑलमोस्ट हो भी चुका है बिकॉज़ आलू मैंने बॉईल करके अलग से रखा है। मैंने सेम प्रोसेस में जैसे मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो वही प्रोसेस में बना रही हूँ, लेकिन मैंने बस एक्स्ट्रा ऐड किया है ये जलेपीनो और बॉईल किया जो आलू है अभी मैं दे रही हूँ। इसके साथ जो भी मसाले ऐड करूँगी वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने कलौंजी हल्दी नमक बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और लास्ट में मैंने ऐड किया था थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे ना टेस्ट और भी ज़्यादा निखर के आता है। और आप भी कोशिश करें घर पे जब भी बनाए, कोशिश नहीं ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया था आज का जो रात का जो आलू की सब्ज़ी था, और सभी को पसंद आया था, और इवन जो मेरी सास है उन्होंने
कहा कि अगर बचता है मैं सुबह के लिए भी रख दूँगी। तो अभी इसके बाद जो मसाले है उसको ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है अभी बॉईल करने के लिए, और थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए रख दूँगी। और बस हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुके हैं। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ जब मैं पानी दूँ उसके साथ साथ एक या दो पीस बॉयल आलू अलग से रख देती हूँ, ताकि इसको मैश करके यहाँ पे डालो तो जो ग्रेवी होता है वो और भी ज़्यादा गाढ़ा होता है। ये ट्राई ज़रूर करना अगर आप घर पे करते हैं तो। मुझे तो गाढ़ा वाला आलू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। सो ये वाला जो कसूरी मेथी देख रहे हैं ये लास्ट ईयर मैंने सुखा के लिए रखा था और सूख के पूरा तैयार हो चुका था। हर साल मैं कोशिश करती हूँ कि ठंडे के टाइम में जब मेथी सस्ते मिलते हैं तो सभी को सुखा के मैं स्टोर करके रख दूँ पूरे साल के लिए। और थोड़ा थोड़ा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। इवन ज़्यादा करके बनाते हुए इसीलिए रेस्टोरेंट पे भी काम में लग जाते हैं, और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में सुखाती हूँ, रेस्टोरेंट पे भी दे देते हैं, हमारे घर पे भी रख देते हैं। तो बस उसके बाद हम सब ने डिनर किया और आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा है मेरा व्लॉग बताना मत भूलिएगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग।